सीखा वो उनसे, क्योंकि देखिए नौजवान तो आगे बढ़ते हैं लेकिन जो उनके एल्डर्स होते हैं उनको भी ज़रूरत है कि उनके बच्चे क्या सोच रहे हैं उन्हें पता लगे, ताकि बेहतरीन मुआशरा तश्कील दिया जा सके। तो ये मुस्तकबिल के प्लान हैं और उसमें इंशाल्लाह कुछ हमारे मीडिया शोज़ भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स टेलीविज़न पे जाकर भी बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा और लोगों को जानिब रागब करेंगे, और फेसबुक पे तो हमारे सेशंस अभी चल भी हैं और आगे का भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान है। फैजान ज़रा ये बताएंगे जो तरबियती प्रोग्राम हैं और ये प्रोग्रामों की कितनी आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं मज़ीद, और जो तरबियती प्रोग्राम हम चल रहे हैं और मज़ीद कोई मज़ीद प्लान मौजूद तो हमारे पास बहुत हैं जो माशरे में सुलगते हुए मौजूद हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जल्द ही जैसे हुकूमत वक्त ये हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो मौजूद तो बहुत हैं। ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी और मदारिस के तलबा के दरमियान एक जॉइंट वेंचर था जो लोगों को एक साथ बिठाना था और उन्हें माशरे के लिए एक बेहतर इंसान बना के पेश करना था, जिसे आप किरदार साजी या इंसान साजी कह सकती है। इदारा अपनी पूरी तवानाइयों के साथ ये कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये सिर्फ स्टूडेंट लेवल की बात है, हमारे पास तो यूथ के अलावा भी, मतलब आप एल्डर्स की बात करें या फिर आप खवातीन की बात करें, फीमेल इशूज़ के ऊपर, वुमेन हरासमेंट के ऊपर, देर आर अ लॉट ऑफ 100 इशूज़ जिस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हमारा होमवर्क हो रहा है और कुछ चीज़ें हम प्लान कर चुके हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अन करीब सून टू भी इंशाल्लाह ये होने वाला है, हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट ला रहे हैं, चूँकि ग्राउंड एक्टिविटीज़ अभी परमिशन नहीं है और सेहत इंसान की पहले है, तो हम उसमें एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एक कैंपेन हमारी अभी अवेयरनेस के हवाले से चल रही है, कोविड के हवाले से, एक इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से चल रही है। अच्छा, उसमें हम उसी तबके के